हमें कहीं बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, हमें खेलने कूदने का मौका नहीं मिलता है। पापा या मम्मी बाबू जी हमको मिट कर क्या पढ़ोगी तुम लोग, पढ़ लिख के क्या करोगी? और 18 वर्ष से पहले ही शादी वादी कर देते हैं, कहते हैं कि तुम लोग केवल शादी करने के लिए बनी हो और घर का काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए नहीं। पहले हमें सैनिटरी पैड के बारे में नहीं पता था, हम सबसे शर्माते थे, हम अपनी मम्मी से बात भी नहीं कर पाते थे। हमें गंदा कपड़ा मिलता था, ऐसे कहीं भी पड़ा रहता था, हम उठा के उसे यूज कर लेते थे। हम लोग के खानों में भी बहुत भेदभाव होता है, खाना बनाने के बाद सारा काम करो, जो बचेगा वही आपको मिलेगा, यही शिक्षा हम लोग को बचपन से दी जाती है, क्योंकि ससुराल में जाके यही करना होता है। फैजाबाद जनपद के तारून ब्लॉक की इन किशोरियों की जुबानी आपने सुनी कुछ वर्ष पूर्व की कहानी। किशोरावस्था महिलाओं के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, जब उनके शारीरिक सामाजिक विकास के लिए उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं का विशेष ध्यान रखना होता है। राष्ट्रीय विकास के इस बुनियादी काम की जिम्मेदारी उठाई पीपल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन यानी पानी संस्थान ने, और प्रारंभ की किशोरी सशक्तिकरण परियोजना। किशोरी सशक्तिकरण परियोजना पर बहुत व्यावहारिक, व्यवस्थित और परिणाम परक प्रणाली के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए किशोरी संसाधन केंद्रों की स्थापना की गई है। किशोरी संसाधन केंद्र किशोरियों के लिए ऐसे अवसर उपलब्ध कराते हैं जहां वे अपने विकास के लिए विभिन्न विषयों तथा मुद्दों पर जानकारी प्राप्त कर सकें। तारून ब्लॉक की 42 ग्राम पंचायतों की समस्त किशोरियों को इस योजना से जोड़ना बहुत ही कठिन कार्य था। पहली बार सब सोचा कहाँ ले जाइए, कहाँ जाइए लेके, अरे देर रात रहन गिदारी कहूं निकलत ना रही, बोले ना जानत रही। जन कल्याण की प्रबल भावना और अपने कार्य के प्रति अटूट निष्ठा में किशोरी सशक्तिकरण परियोजना सफलता के नए आयाम प्राप्त कर रही है। मैंने ये सोचा, हमने जब सब बिटिया आवत हैं जात हैं, उनके ज्ञान बढ़त बा आगे बढ़त हैं, तो हम सब कहें कि नहीं, अब लड़कियन का ज्यादा आगे नो ज्ञान बुद्धि हो। आज इस योजना से जुड़ी किशोरियों के सामान्य रहन सहन, व्यवहार, स्वास्थ्य, बुद्धि और आत्मविश्वास का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हम अपने अधिकार के बारे में जान गए और सरकारी योजनाओं के बारे में, जैसे टीटी का टीका, आयरन की गोली और डिवार्मिंग। सैनिटरी पैड का इस्तेमाल था, ये लोग नहीं आते थे। जब पानी संस्था आया तो समा दीदी ने हमें सैनिटरी पैड के बारे में पूरी जानकारी दी। जब हमें पता चला तो हम उसका भी प्रयोग करने लगे। पहले हम कहीं भी जाते थे, हमें एक झिझक सी, डर सी होती थी, लेकिन अब कहीं भी आने जाने में, किसी के सामने बोलने में कोई डर झिझक नहीं होती है। पहले ये नमस्ते करने में शर्माती थी, अब बड़े जो है बेबाकी से नमस्ते, प्रधान नमस्ते, चाचा नमस्ते, ऐसे करती हैं। किशोरियों में इतनी जागरूकता आई है कि वो अपने हेल्थ के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति काफी जागरूक हुई है। किशोरियों में नेतृत्व क्षमता भी विकसित की जाती है, इसके लिए किशोरी संसाधन केंद्रों पर किशोरी लीडरों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है। सैनिटरी पैड हुआ, आयरन की नीली गोली हुई और टिटनेस का टीका हुआ, एनीमिया स्क्रीनिंग हुआ, तो हम लोग गांव में जो चर्चा किए तो पता लगा कि ये सब हमारे लिए आता है लेकिन हम लोगों को मिलता नहीं है, तो MOIC से बात किए तो उन्होंने हम लोगों के लिए देने के लिए हाँ कर दी है और हम लोगों को सैनिटरी पैड और आयरन की नीली गोली मिल भी रही है। पहले हमारे गांव में जितनी भी किशोरियाँ थी सबको शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो हम कुछ किशोरियों को लेकर अपने साथ प्रधान जी के घर गए। तो हमने अपने ब्लॉक से वीडियो से बात किया, गाँव का सर्वेक्षण कराया, फिर हमारे गाँव में शौचालय आया। किशोरी सशक्तिकरण परियोजना देश के समग्र ठोस विकास का मूल आधार है। सदियों से उपेक्षित, शोषित और प्रताड़ित महिला समाज को बुनियादी अधिकार और मानवीय गरिमा प्रदान करने के लिए किशोरी संसाधन केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।